सात टिप्स आपके महिला पार्टनर को खुश करने के, इसके बारे में आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेक्स यह विषय ऐसा है कि जिसमें सिर्फ पुरुष की बात की जाती है, पुरुष लोग ही जाते हैं डॉक्टर के पास में और वही इलाज करते रहते हैं, मगर महिला पार्टनर का कभी ख्याल किया ही नहीं जाता है। उसको चाहिए क्या, उसको किस तरह से सुख मिलेगा? स्त्री को सुख मिलता नहीं है, उसको खुशी मिलती नहीं है, तो फिर वो अगले बार सेक्स करने को तैयार नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि पुरुष को जल्दी हो जाता है या उसको जल्दी हुआ भी नहीं तभी उसको स्त्री के पहले हो जाता है, वो बाजू हो जाता है, और बाजू होने के बाद में स्त्री वैसी रह जाती है आधी अधूरी, और बाद में अगली बार वो ना भूलती है। तो उसका ऑर्गेजम होना जरूरी है, उसको चरम सुख मिलना चाहिए, सुख का अंतिम क्षण जो है वो उसको मिलना चाहिए, और उसके लिए क्या करना है वो बात आज मैं आपके साथ में करने वाला हूँ। तो नंबर एक ये है कि भाई आपके पार्टनर को टाइम बता दो कि भाई टाइम कब करने का है सेक्स, मतलब आप यदि टाइम शेड्यूल करते हैं तो अच्छा हो जाएगा। होता क्या है कि कभी कभी रात में पुरुष घर पे जाता है, बिजनेस करके जा रहा है, खाना खा लिया, और अभी उसको तो वो ग्रीत पकड़ता है कि नहीं अपने को भी सेक्स करना है। हो सकता है कि वाइफ का उस समय मूड ना हो सकता है कि उसकी कोई झंझट बच्चों के साथ में हुई है या सास के साथ में हुई है, तबीयत ठीक नहीं है, जो भी कुछ है, और वो तैयार नहीं है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाता है और उसमें फिर झंझट झगड़ा हो सकता है, और फिर आपसी रिश्ते में यदि प्रॉब्लम हो गया तो सेक्स होता नहीं है। हरदम ये देखना है कि भाई आप टाइम शेड्यूल कर सकते हैं क्या। टाइम शेड्यूल किया तो उसको मालूम है कि आज रात को अपने को करना है। क्या है कि यंग एज में 20 और 30 साल की उम्र में टाइम शेड्यूल करने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली इरेक्शन आते रहते हैं, स्पॉन्टेनियस इच्छा हो जाती है दोनों में भी, और कभी भी सेक्स संभव है, कभी भी सेक्स कर लेते हैं, दिन में, दोपहर को, शाम को, रात को, जब टाइम मिला तब। जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसा नहीं होता है, दिमाग टेंशन में है, लोड है, स्ट्रेस है, झंझट हुई है, पैसे का प्रॉब्लम, पैसे की परेशानी, चेक लगे हुए हैं, और ऐसे इसमें फिर ऐसा कभी भी आप बोलो कि चलो अभी सेक्स करना है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए वो शेड्यूल किया तो मालूम है दोनों को भी कि हमको कब सेक्स करना है, और वो दोनों साइकोलॉजिकली तैयार हो सकते हैं कि हमको सेक्स करना है। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं कभी भी चलो अभी इच्छा हो गई चलो करेंगे सेक्स, स्पॉन्टेनियस डिजायर, चलो अभी इरेक्शन आ जाएगा, और फिर कभी कभी इरेक्शन आता नहीं है और प्रॉब्लम हो जाता है। तो नंबर एक जो है वो टाइम शेड्यूल करना जरूरी है, जैसी उम्र बढ़ जाती है वैसा, नंबर एक। नंबर दो है कि भाई लेडीज़ की एनाटॉमी जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि देखो उनको वजाना रहता है, योनि रहती है। लोगों को लगता है कि सेक्स मतलब योनि में लिंग का प्रवेश करना और सेक्स करना, सेक्स उतना ही नहीं है। सेक्स में फोर प्ले होता है, काम क्रीड़ा, पूर्व काम क्रीड़ा तो वो होती है, उसमें खेलना, किसिंग करना, हगिंग करना, योनि लिंग जो है उसको मसाज करना, फिर योनि में उंगली डाल के फिंगरिंग करना, ऐसी काफ़ी सारे बातें की जाती है जिसमें उसको मजा आती है। स्त्री को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जो है वो योनि लिंग स्टिमुलेट करने से मिलता है। 20% ही उसमें वजाना का रोल है, योनि का रोल है, कि 20% स्त्री को ही सिर्फ योनि में डाल के सेक्स करके, योनि में सेक्स करके उनको मजा आता है। अदरवाइज 80% जो है, 80% स्त्री जो है उनको योनि लिंग को स्टिमुलेट करने से ही बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। तो लोग बोलते हैं सेक्स मतलब हाँ योनि में प्रवेश हो गया लिंग का, वहाँ से सेक्स करो, ठीक है ना, उसके पहले सेक्स एक्साइटमेंट लाओ, योनि लिंग को स्टिमुलेट करो, हाथ घुमाओ, फिंगरिंग करो, तो उसको बहुत अच्छा एक्साइटमेंट आएगा और बाद में आपका सेक्स चालू करो। नंबर तीन जो है वो स्त्री को प्राथमिकता देना चाहिए। स्त्री को प्राथमिकता मतलब क्या है, स्त्री का सेक्स, स्त्री का चरम सुख है, स्त्री का ऑर्गेजम पहले होना जरूरी है, क्योंकि यदि पुरुष का पहले हो जाता है और स्त्री का होता ही नहीं है, पुरुष बाजू हो गया, एक बार इजैकुलेशन आने के बाद में पुरुष बाजू हो गया, अब स्त्री वैसी रहेगी बिना समाधान की, बिना संतोष की, फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है, चिड़चिड़ करने लगती है, उसको लगता है कि मैं तो चालू भी नहीं हुई और ये इसने ख़त्म भी कर लिया, अगले बार वो तैयार होती नहीं है। तो स्त्री को प्राधान्य, प्राथमिकता देना जरूरी है। चौथा जो पॉइंट है वो है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब लिंग का योनि में प्रवेश करना, वही सेक्स नहीं, उसके पहले भी बहुत सारा होता है। तो पेनिट्रेशन इज नॉट द ओनली सेक्स। पेनिट्रेशन करने के बाद में एवरेज में पुरुष का 5.4 मिनट चलता है। आप सिर्फ पेनिट्रेशन का ही सेक्स करोगे, सिर्फ पेनिट्रेट करेंगे और सेक्स खत्म करेंगे 5 मिनट में, तो स्त्री को कुछ समाधान भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि स्त्री को समाधान एवरेज में काफ़ी सारी स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि 30 से 50 मिनट लगते हैं उनको पूरा चरम सुख मिलने के लिए। अब 30 से 50 मिनट तो आप चलने वाले नहीं है पेनिट्रेशन रख के, इसका मतलब ही क्या है
कि उसका समागम शुरू होता है फोर प्ले से। फोर प्ले से किसिंग, हगिंग जब आप करते हैं, यूनिलिंग को स्टिमुलेट करते हैं, फिंगरिंग करते हैं, तो ये बहुत समय पहले करते हैं, और बाद में आखिर एकदम फाइनल स्टेज में आप पेनिट्रेशन करते हैं, तो स्त्री को भी सुख मिलेगा और पुरुष को भी सुख मिलेगा। अदरवाइज सिर्फ पेनिट्रेशन करेंगे आप तो पुरुष को ठीक है, सुख मिल जाएगा, समझो वो 5 मिनट चलता है तो उसको अच्छा भी लगेगा, मगर स्त्री को तब तक होगा नहीं और स्त्री असमाधानी रहेगी। तो पेनिट्रेशन जल्दी करके जल्दी फॉल करना, इसके बदले मंत्र जो है वो है गो स्लो, यह चौथा पॉइंट। पांचवा जो है वो है लुब्रिकेशन करो, लुब्रिकेटिंग जेली का वापर करो। बहुत बार ऐसा होता है कि औरत एक्साइटेड नहीं है, इसलिए नीचे का जो पूरा एरिया ड्राई रहता है, पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम जाता है। मजा यदि आना है बिना दर्द का तो लुब्रिकेंट्स आप वापरते, लुब्रिकेशन जेली वापरते आप, तो लुब्रिकेटिंग जेली का फ़ायदा अच्छा ये है कि बहुत ही अच्छा लुब्रिकेशन होता है, बहुत एक्साइटमेंट भी होता है, दर्द भी नहीं होता है, उसमें ज़्यादा मज़ा भी आती है। तो आप लुब्रिकेशन वापरने का है, लुब्रिकेशन करने का है, जेली वापरने का है, क्रीम वापरने का है, और नीचे पूरा चिकना होने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का है। तो ये पांचवा पॉइंट। छठवा जो है कि आप वाइब्रेटर इधर लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। वाइब्रेटर की रिंग आती है, वाइब्रेटिंग रिंग, वो यदि आप पेनिस को लगा लेते हैं तो वाइब्रेटिंग रिंग को क्या होता है, ऊपर के बाजू में ऐसा जो मोटापा रहता है वो, और पूरी रिंग आप पेनिस में पहन लो, उसके दो फायदे हैं। वाइब्रेटिंग रिंग यदि टाइट किया तो आपका जल्दी गिरेगा भी नहीं, नंबर एक, और वो रिंग वाइब्रेट कर रही है, डिंग कर रही है समझो ऐसा पूरा, उसमें क्या हो रहा है कि पेनिट्रेशन करने के बाद में वाइब्रेटिंग रिंग ऊपर है, वो अंदर गई नहीं है, वो क्या करे, वाइब्रेटिंग रिंग, वाइब्रेटिंग रिंग यूनिलिंग जो है मतलब क्लाइटोरिस उसको स्टिमुलेट कर रही है। मतलब अभी क्या हो रहा है, पेनिट्रेशन से भी स्त्री को आनंद मिल रहा है और वाइब्रेटिंग रिंग जो है वो स्टिमुलेट कर रही है क्लाइटोरिस को, वहाँ से भी उसको आनंद मिल रहा है, और ये आनंद उसको डबल आनंद देगा, उसमें बहुत ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो वाइब्रेटिंग रिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे एक साथ दोनों भी होगा, पेनिट्रेशन भी होगा और वाइब्रेशन क्लाइटोरिस का भी होगा, जिससे उसको मजा आएगा। और सातवां जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन, संवाद। संवाद दोनों में होना बहुत जरूरी है कि आपको अच्छा क्या लगता है, कहाँ हाथ घुमाया तो अच्छा लगता है, कहाँ किसिंग किया तो अच्छा लगता है, किसको बटक के ऊपर किस किया तो अच्छा लगता है, किसको गाल के ऊपर किस किया तो अच्छा लगता है, किसको ओरल सेक्स किया तो उसमें ज़्यादा मजा आती है, तो पहले ओरल सेक्स कर सकते हैं, किसको हगिंग में, बाइटिंग में, किसिंग में, अलग अलग पोजिशंस में। तो स्त्री ने कम्युनिकेट करना चाहिए पुरुष को कि उसको कौन से पोजिशन में अच्छा लगता है, और वो यदि संवाद वो करती है, कम्युनिकेट करती है, तो वो खुद को सेटिस्फाई करेगी और पुरुष को भी सेटिस्फाई कर देगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।